हेलो स्टूडेंट्स आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर वी इंग्लिस क्लासेस में आज मैं आप सबों के लिए क्लास सेवन का हनी कॉम्स और इंग्लिस ब्रिज से सेकेंड पोएम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है द रेबल स्टूडेंट्स रेबल का मतलब है बागी जो हर किसी का बगावत करे विद्रोह करे और ज़रूरी नहीं है कि यह बगावत विद्रोह बहुत बड़े बड़े बातों पर ही की जाए और यह बागी हमारे और आपके बीच से भी हो सकता है कोई स्टूडेंट फ्रेंड रिलेटिव ब्रदर जो हर किसी के बात पर जस्ट अपोजिट बोले उसका अगेंस्ट जाए तो दरअसल बागी जो होते हैं वो अपने आप को एक भीड़ से अलग रखना चाहते हैं अपना एक खुद का पहचान बनाना चाहते हैं वो लोगों के साथ नहीं रहना चाहते वो वो नहीं करते जो सारे लोग करते बल्कि वो उन लोगों से बिल्कुल हट के काम करते हैं तो हमारे और आपके बीच में भी ऐसा कोई हो सकता है जैसे जब हम सबों का मन करता है कि कहीं बाहर घूमने जाए तो वो कहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय वो कहता है कि मुझे खेलना है और खेलने के समय उसे पढ़ना होता है जब सारे लोग कहते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा है तो वो उसके जस्ट अपोजिट कह देगा कि नहीं आज का मौसम बहुत ही खराब है तो बच्चों इस पोएम द रेबल में हम एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हर किसी के जस्ट अगेंस्ट बोलता है जस्ट अपोजिट बोलता है नाउ आई एम गोइंग टू रीड द होल पोएम टू यू आफ्टर देन आई सेल एक्सप्लेन इच्छ लाइन ऑफ द पोएम इन हिंदी बिफोर दैट यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सो लेट्स स्टार्ट इट द रेवल When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebels cut his hair short. When everybody talks during the class, the rebel does not say a word. When nobody talks during the class, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dog. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need of rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home, and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says yes papa, the rebel says no, thank you. When everybody says no, thank you, the rebel says yes, papa. It is good that we have rebels. You may not find it very good to be. Now, students, I am going to explain each line of the poem in Hindi. se explain <laughs> जहाँ पे रेबल और दूसरे लोग के बीच में कंपेरिजन दिखलाया जाता है कि किस तरह से रेबल वो नहीं करना चाहता जो बाकी लोग करना चाहते हैं सो so, स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि किस तरह से पोएम को बहुत ही आसान बनाने के लिए मैंने इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया है जहाँ पे एक साइड सोसाइटी मेजोरिटी और कॉमन पीपल को दिखलाया जा रहा और वहीं दूसरे साइड रेबल को दिखलाया जा रहा जो कॉमन पीपल के जस्ट अपोजिट काम करता है उनके जस्ट अगेंस्ट काम करता है तो इस तरह से ये पोएम समझना आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगी सो so, चलिए स्टार्ट करता हूँ लाइन बाय लाइन व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स इज हेयर ग्रो लॉन्ग मीन्स जब सारे लोग छोटे बाल रखते हैं तो रेबल अपने बालों को लंबा करने लगता है मीन्स वो लंबे बाल रखता है यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट ऑल द पीपल आर हैविंग शॉर्ट हेयर वाइल द रेबल इज़ हैविंग लॉन्ग हेयर वेन एब्रीपटी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स इज हेयर शॉर्ट और जब सारे लोग लम्बे बाल रखते हैं तो रेबल अपने बाल छोटे छोटे कटवा लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपने देखा जब लोगों के बाल लम्बे हैं तो रेबल अपने बाल छोटे करवाता है जो लोगों के बाल छोटे हैं तो रेबल उस समय अपने बाल लम्बे करने लगता है वैन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द क्लास द रेबल डजन से वर्ड और जब सारे बच्चे क्लास में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं द रेबल डजेंट से सिंगल वर्ड तो उस समय रेबल एक भी शब्द नहीं बोलता है स्टडी वाइल ऑल द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस इन द क्लासरूम वेन नो बडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स लेसन रेफर्स टू क्लास रूम पढ़ाई के समय और जब क्लास में कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं तो रेबल सबों के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करने लगता है सबों को परेशान करने लगता है तो आप देख रहे बच्चे किस तरह से रेबल लोगों के जस्ट अपोजिट करता है जब सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ये सब को डिस्टर्ब करता है और जब सारे बच्चे मौज मस्ती करते हैं तो ये बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है वन एवरीबडी वेयर्स यूनिफॉर्म द रेबल अ फैंटेस्टिक क्लोथ्स और जब सारे बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो रिबल जो है वो फैंसी कपड़े पहनकर आ जाता है फिर से सारे स्कूल के बच्चे के जस्ट अगेंस्ट हो काम करता है बच्चों आपको भी याद होगा कभी अगर आप ऐसा करते हो अपने स्कूल में कि आप सिविल ड्रेस या फैंसी ड्रेस पहन के चले जाते हो तो आपको काफ़ी डांट सुनने को मिलता है लेकिन ये रिबल है वो हमेशा अपोजिट ही करता है वन एवरीबडी वेयर्स फैंटेस्टिक क्लोथ द रिबल ड्रेसिस सो और जब सारे लोग फैंसी ड्रेसेस क्लोथ्स पहन कर आते हैं जैसे सपोज स्कूल में कोई फंक्शन कोई इवेंट रखा गया और सारे लोग फैंसी ड्रेसेस में आते हैं तो रेबल उसके जस्ट अपोजिट सोबर मींस बहुत ही सीधा साधा बहुत ही साधारण कपड़े में चला जाता है इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसिस अ प्रिफ्रेंस फॉर कैट्स तो जब कभी रेबल कहीं ऐसे ग्रुप में चला जाता है जहाँ सारे बच्चों को डॉग पसंद होता है तो वहाँ रेबल बताता है कि वो कैट प्रीफर करता है कैट पसंद करता है इन द कंपनी ऑफ़ कैट लवर्स द रेबल पोर्ट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स और जब कभी ये ऐसे ग्रुप में चला जाता है जहाँ के बच्चों को बिल्लियाँ पसंद होती है तो वो वहाँ जाके डॉग के बारे में अच्छे अच्छे बातें करने लगता है और कहता है कि उसे डॉग पसंद है वेन एवरीबडीज द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन और जब हर कोई सन सूर्य की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो रेबल उस समय बारिश की जरूरत बारिश की महत्व के बारे में बतलाने लगता है वेन एवरीबडीज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द अपसेंस ऑफ सन तो जब सारे बच्चे बारिश का अभिनंदन करते हैं बारिश का स्वागत करते हैं बारिश का आनंद उठाते हैं तो उस समय रेबल सूर्य का ना होने का पश्चाताप करता है वह उसका दुख मनाता है वैन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रेबल स्टेज ईट होम एंड रीड्स अ बुक और जब सारे लोग मीटिंग के लिए घर से बाहर जाते हैं तो रेबल घर पे ही रुक के किताबें पढ़ता है वेन एवरीबडी स्टेज इट होम एंड रीड्स अ बुक द रेबल गोज टू द मीटिंग और जब सारे लोग घर पर रह कर किताबें पढ़ते हैं तो रेबल मीटिंग पे जाता है वैन एवरीबडी सेज़ येस प्लीज द रेबल सेज़ नो थैंक यू वैन एवरीबडी सीज़ नो थैंक यू द रेबल से इज़ यस प्लीज इट मीन्स जब कभी बच्चों को कुछ ऑफ़र किया जाता था तो जहाँ सारे बच्चे यस प्लीज़ कहकर ऑफ़र को एक्सेप्ट करते थे वहीं रेबल उस ऑफ़र को नो, नो थैंक यू कह के रिजेक्ट करता था और जस्ट अपोजिट जब सारे बच्चे इसे रिजेक्ट रिजेक्ट करते थे तो रेबल इसे यस प्लीज कह के एक्सेप्ट करता था नाउ द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी one, और यह अच्छा है कि हमारे समाज में कुछ रेबल्स है कुछ बागी है क्योंकि उन्हें देखने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है या रियलाइज़ होता है कि कम से कम हमें वह बागी हमें रेबल नहीं बनना है हमने देखा कि किस तरह से रेबल्स जो होते हैं हमेशा ओट पटांग काम करते हैं समाज के लोगों के अगेंस्ट जाके काम करते हैं तो बच्चों हमें अपने माता पिता अपने बड़े भाई बहन शिक्षकों की बात माननी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके तो इस तरह से बच्चों ये यह पोएम यहाँ समाप्त होती है ज़ाहिर सी बात है तस्वीरों के माध्यम से या पोएम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ आया होगा तो यदि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसा ही आसान आसान वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू एवरीवन